हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपका आपको स्वागत है एक मेरे नए व्लॉग में। तो बेसिकली वो जो व्लॉग मैं आगे आप लोग देखेंगे उसका इंट्रो मैं शूट करना भूल नहीं गई थी। एक्चुअली इतना जल्दी था, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था उस दिन, मतलब मेरे लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो वो मुझे करने जाना था। और कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे यू नो पैनिक होती है कि सब ठीक ठाक होगा या नहीं। तो उस वजह से मैंने और ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं किया। काम ख़त्म होने के बाद हम वहाँ से सीधा चले गए थे इस प्लैनेट पे, बिकॉज़ हमें कुछ चीज़ें खरीदनी थी। ये जो पीछे देख रहे हो ना, इसके लिए खरीदना था, तो हमें थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी थी, जिस वजह से हमें जाना था इस प्लैनेट और हम वहाँ पर चले गए थे। उसके बाद से मैंने व्लॉग किया है, क्या लिया है क्या नहीं लिया है वो सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ उस व्लॉग में शेयर किया है। तो ठीक है, मैं ज्यादा इंटरप्ट नहीं करूंगी आपको, व्लॉग को एंजॉय कीजिए। बाय बाय। आज हम लोग कहाँ आए हैं? प्लैनेट आए हैं इसके लिए, कुछ चीजें लेने के लिए। और ये बच्चों की तरह जिद में पड़े हुए है कि उसको क्या चाहिए, बोल। चेन दिला दे। नहीं देना, एक चेन दिला दे। मेरे पास नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास। मम्मा ऑन द वे है, हम पहले आ गए क्योंकि मुझे कुछ काम था यहाँ पे। तो मम्मा आ रही है, बस पे है, तो हम लोग मम्मा का ही वेट कर रहे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो भी लेना है हम यहाँ से। बेसिकली हम इनकी इसकी ज़रूरत के लिए आए हैं क्योंकि कल है इसका स्कूल स्टार्ट, मतलब आई थिंक सबका ही स्कूल स्टार्ट है, तो कल उसके लिए। अभी 2 साल तक घर में बैठने के बाद जो होता है यहाँ वही हो गया है, सब कुछ छोटा हो गया, तो उसके लिए हमें जाना है। तो उस प्लैनेट में शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हमें घर के पास वाले एक मार्केट में जाना था, वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदना था हमें। तो चलिए आप लोग को साथ में लेके चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी शॉपिंग डन, अभी हम जा रहे हैं सीधा घर। Young blood made of gold, a mind you can't control. Running wild, can't calm down, my head is in the clouds. Gotta
Hi guys, I am back right now. बहुत पहले आ गई थी एंड मैं कर रही थी थोड़ी देर के लिए रेस्ट, क्योंकि आई एम नॉट वेल, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी. बाहर जाना भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि काम था. बहुत ज़्यादा पेट में भी दर्द हो रहा है, मतलब हद से ज़्यादा. मैं पूरी रास्ते चल रही हूँ और मेरे पेट में दर्द, मतलब एक सेकेंड के लिए भी नहीं रुक रहा है, इतना दर्द हो रहा है. तो अभी बज रहे शाम के कितना, छः बज के 10 मिनट हो रहे हैं. तो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैंने क्या क्या लिया है. तो पहले ना बेड की हालत दिखा देती हूँ. तो मुझे अभी ये ठीक करना है, पहले मैं ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. दिखाती हूँ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या बाय किया. एक्चुअली अपने लिए बहुत कुछ नहीं बाय किया, लेकिन कुछ जो भी जिसके लिए भी जितने भी कुछ किया है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो पहले मैं वो सब कुछ शेयर करती हूँ कि मम्मा को क्या क्या गिफ्ट मिला है. तो मम्मा ने एक लिया है ये वाला कुर्ती, बहुत ही सुंदर सा कुर्ती है, आप देख सकते हो. इसका जो कलर है मुझे बहुत पसंद है, लाइक बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड कड़ी चिकन कड़ी कुर्ती है, आप देखो. एक मामा ने भी मम्मा को पैसे दिए थे, आप लोगों को पता है कि वो खुद सिलाई करती है. तो उन्होंने लिए हैं एक पीस, मतलब कपड़े मिटर वाले, जिसको मैं बनाने वाली हूँ. ये इसका मैं फ़ैन बन चुकी हूँ. मैं ना अपना पैसा सेव करके अपने लिए भी सेम चीज़ लेने वाली हूँ, कलर डिफरेंट कलर का. मैं कुछ करने वाली हूँ इनो, मतलब पेयर करने वाली हूँ ऊपर और नीचे वाला. देखो कितना सुंदर है ना ये मेरे को इतना अच्छा लगा. लो कलर देखो, आई नो कैमरे में इतना मतलब अजीब क्यों लग रहा है, लेकिन ये बहुत शाइनी है, लाइक बहुत ज़्यादा शाइनी है. मैं ऐसे दिखाती हूँ, देखो कितना शाइनी है ना. स्कूल बैग लेना था, ये सब कुछ लेना था, इसलिए हमें जाना था. और अब हम सिर्फ उस वजह से तो जाना था, लेकिन हम ये है उसका बैग, स्कूल बैग, ट्रेलर्स से हमने लिए बैग. एक्चुअली हम बैग शूज़ सब कुछ ट्रेलर्स का ही प्रेफर करते हैं. काफ़ी सालों से हम ट्रेलर्स से लेते हैं, तो हमें ना एक भरोसा हो गया है. तो मैं जब बचपन में थी, जब यहाँ पे हम नहीं आए थे, गांव में थे, तब से हम यहीं से लेके चल जाते थे. तो ये इसका बैग है, उसने चॉइस किया. इसमें आप क्या ही देखो, ट्रेलर्स से मैंने खुद के लिए भी एक लिया है. एक्चुअली ये मेरा मामा कोई भी यूज़ कर सकता है, बहुत ही प्यारा है. ये देखो कितना सुंदर है ना, मुझे ये बहुत पसंद आया था. मतलब एक झटके में देखो और पसंद आ जाता है ना वैसे वाला, तो मुझे वही पसंद आया और कोई अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ये लिया. काफ़ी स्पेशियस है, सबसे बड़ी बात है, बहुत कुछ एक साथ आ जाएगी. नेक्स्ट मम्मा ने एक शू लिए हैं एंड मैंने एक शू लिए हैं, बट मैंने स्ट्रेलर से नहीं लिया, मैंने नॉर्मल लोकल यू नो फुटपाथ से लिए हैं, क्योंकि मुझे ऑल टाइम के लिए चाहिए था घर में पहनने के लिए. तो मेरा घर का जो मैं पहनती हूँ वो ख़राब हो गया था, तो मेरे को ये इस टाइप का चाहिए था. और यहाँ से आप इसको छोटे बड़े कर सकते हो, अगर टाइट चाहिए और लूज चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छा है एंड बहुत सॉफ्ट है. और घर में पहनने के लिए ज़्यादा महंगा कुछ नहीं लेना चाहती थी, तो मेरे को ये पड़ा आई थिंक 200 रुपये का, नहीं 150 का पड़ा, ये 150 का पड़ा. लोकल से इसलिए लेना चाहती थी कि कम में हो जाएगा और घर में ही पहनने वाले, ज़्यादा यूज़ तो नहीं होगा. ओके अभी वहाँ पे ना अभी विंटर आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे यू नो वराइटीज ऑफ चीज़ें वहाँ पे यू नो कपड़े वगैरह सेल में होती है, लाइक 100 100 100 100. मैंने व्लॉग में थोड़ा सा आवाज़ आपको दिखाई है, वो 100 100 करके चिल्लाते हैं, 100 में आते हैं. 150 का था, 200 का था, 160 का भी था, लेकिन वो लेने लायक नहीं था, मतलब मेरे बॉडी में नहीं आता. तो हमने ना 100 वाले भैया से, मतलब 100 करके जो सेल में था, उनसे बहुत सारे. पहले मम्मा का वाला दिखाती हूँ, ये मम्मा ने अपने लिए लिए हैं. ऐसा कोई मेरा मम्मा को फिक्स नहीं होता, मैं उनका पहनती हूँ, वो मेरा पहनती है, तो लिए है मैंने बस वहाँ से. ये वाला कितना अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी का, नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड वाले जगह पे आप पहन सकते हो, लेकिन
कलकत्ता में आप पहन सकते हो, कलकत्ता में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती तो आप पहन सकते हो। और इस टाइम पे जैसे अभी मतलब पड़ रही है ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, और जब ठंड चली जाती है तो उस टाइम पे भी आप इसको कैरी आउट कर सकते हो। गर्मी में भी आप पहन सकते हो, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है इसका, क्वालिटी बहुत ही सॉफ्ट है, ये बड़ी बात है। लाइक आपको कम्फर्ट होगी, मतलब पहन के वो खुजली हो रही है वैसा क्वालिटी नहीं है। और ये भी मम्मा ने लिया है, इसका ना जो मतलब जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो अगर मम्मा नहीं पहनेगी तो मैं ले लूँगी। देखो ना फ्रॉक टाइप का है, कितना सुंदर है ना, 100 में मिल रहा था, बहुत ही सुंदर सा है। एक स्ट्रॉग टाइप का है, लाइक कोई भी कुर्ती के ऊपर आप इजीली इसको पेयर आउट कर सकते हो। अगर स्लीवलेस आउटफिट है और आप स्टाइलिंग करना चाहते हो तो ये पहन सकते हो, ये कोई भी सीजन में पहन सकते हो। लाइक बहुत ही पतले कपड़े पे है, और विंटर जब पड़ रहे हैं और जब उठ रहे हैं तब भी आप इसको कैरी आउट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप कलकत्ता से हो, अभी तक प्लैनेट में नहीं गए तो अभी चले जाओ, लाइक बहुत अच्छे अच्छे कपड़े है ना सेल में। लेकिन उसमें एक है, आपको लेना है ठीक से, मतलब ख़राब चीज़ें भी है क्योंकि सेल में वो लोग दे रहे हैं, तो आपको चॉइस करके ढूंढ के लेना पड़ेगा, वो आपके ऊपर है। मैंने ये वाला लिया, देखो कितना अच्छा है, ब्लैक कलर के। मेरे पास एक वाइड लेग पैंट है जिसके साथ ये बहुत अच्छा जाएगा, ब्लैक कलर के जीन्स के साथ। और ये वाला बहुत अच्छा है, देखो ये थोड़ा सा हैवी है, ये उल्टा ये सीधा, ये भी ब्लैक कलर के जीन्स, या आप इसको ना प्लाजो के साथ भी पेयर कर सकते हो, बहुत अच्छे से जाएगा प्लाजो। और इसमें है मेरे भाई का शू, क्या ही दिखाऊं, स्कूल वाला शू। और जैसे कि आप जानती हो कि मैं प्लैनेट जाऊं और ज्वेलरी बिना बाय किए आ जाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मैंने बहुत ही छोटा छोटा लिए हैं, मतलब बहुत ही कम लिए हैं लेकिन लिए हैं। ये तो रिंग मैंने लिया, कितना सुंदर है देखो, हमारे पेछनर कैमरा तो ब्लर है। ये दो रिंग मैंने लिए, बहुत ही सुंदर वाला है। क्यों लिए मैंने, क्यों पता नहीं। और कुछ ज्वेलरी हमने लिए हैं, मतलब सिर्फ मैं नहीं लेती हूँ, मम्मा भी लेती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह बोलती है मैं लेती हूँ। ये मेरे मम्मा ने लिए, तो मैंने ये लिया। ये वाला देखो, इस मैंने जो पहना है अभी इसके साथ ही जाएगा, गोल्डन और ब्लैक, गोल्डन और ब्लैक। और एक है वो भी 30 का, ये तो दामी नीचे मत जुन्नो, ये मेरे मम्मी का है, ये तो 100, ये 30 का है, ये 100, ये 30 नहीं, ये 100 का, ये 100 का है, मेरे घर में आ जाओ मैं भी भेज देती हूँ, ये 100 का है, 100। तो यही कुछ चीजें थे, यही कुछ शॉपिंग मैंने की है स्प्लैनेट से। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, राइट, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा है, बट ठीक है, ये है मैंने, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया ये ज्वेलरी, और मेरा जूता बहुत पसंद आया है, और वो वाला बैग भी, मतलब सब कुछ ही आया है। ओके ठीक है गाइज, तो आज का व्लॉग छोटा छोटा व्लॉग है, तो गाइज आज के लिए इतना ही, ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया है, अगर आपको पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना, एंड कमेंट भी करना कैसा लगता है मेरा व्लॉग, क्या क्या देखना चाहते हो, कैसे टाइप का वीडियो देखना चाहते हो, एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।